ढाका के तो बिल्कुल चेंज होता है, चेंज हो गया। अरे भाई एक ही तरफ फोटो कल की बात है, कल की नहीं। यहाँ पर वो कौन है जो अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती है? सभी है। अच्छा, यहाँ पर वो कौन है जो अपने आप को बहुत बेचारा मानते हैं? देखो, शादीशुदा पति, पति तो शादीशुदा ही होता है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? चलिए शुरू करते हैं आज की शाम। लेकिन अभी आज हम आपके बीच आए हैं तो एक कंपटीशन कराते हैं कि सीधे वाले ज्यादा एक्टिव हैं या लेफ्ट वाले ज्यादा एक्टिव हैं। सबसे पहले सीधे वाले जोरदार तालियां बजाएं। अब कंपटीशन मिला है लेफ्ट वालों को। लेफ्ट वालों में कितनी ताकत है? 1 2 3 गो। और इनसे तेज बजा सकते हो आप? हैं? पक्का पक्का मकसम? ओके, 1 2 3 गो। आपसे तेज बजाई? नहीं नहीं, दोबारे बजा नहीं क्या? चल ठीक है, 1 2 3 गो। एक बार आप दोनों ग्रुप एक साथ, 1 2 3 गो। भाई आज की शाम बहुत कुछ हम करने वाले हैं, बहुत कुछ नया होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि भिवाड़ी में ऐसा शो पहली बार होने वाला है। और हमें उम्मीद है कि रमन यादव फिल्म्स आपको हर महीने कुछ ऐसा दिखाते रहेंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्शन हाउस में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं। एक बच्चा जो अभी योयो हनी सिंह का गाना गा रहा था, अगर उसका गाना हमको अच्छा लगा तो जोरदार ताली होनी चाहिए। एक पाजी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन गजलें तो भैया सर के ऊपर से जाती हैं, पता लगता नहीं कौन सा शब्द बोला। योयो हनी सिंह के गाने ही आपको समझ में आते हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। अगर उनकी आवाज आपको अच्छी लगी तो जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कलाकार की कद्र करते हैं। और आज यहाँ पर वो महिलाएं आने वाली हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी रैंप नहीं देखा, कभी कैटवॉक नहीं की, जिसे हम बिल्ली वॉक कहते हैं हिंदी में, और जो पुरुष करते हैं उसे हम बिल्ला वॉक कहते हैं। और जब पुरुष पिटके भागे उसे बेचारा वॉक कहते हैं। यहाँ पर आज कोई बॉस नहीं है, कोई नेता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप हैं। जिस प्रोफाइल से आपने नाम बना रखे ना फेसबुक पर, वो हैं आप। भूल जाइए कि आपका बॉस आपको कल पूछेगा कितना टारगेट हुआ, भूल जाइए, ठीक है? कल बीवी आपको टिफिन में वही भिंडी की सब्जी देगी, भूल जाइए। आज आप खुल के जिएगा और खूब तालियां बजाइएगा, क्योंकि आज अगर आप इस मंच पर उन महिलाओं को अप्रिशिएट करते हैं तो हो सकता है कि 2017 में आप भी यहां हो। तो कौन 2017 का ऑडिशन देना चाहता है? जोरदार तालियां हो जाए अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ, कौन देना चाहता है? तुषार खुराना, खुराना साहब एक बार आ जाओ स्टेज पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकर आओ उसको, लेकर आओ। आ जाओ आ जाओ, कम बोल, आ जाओ, मजे करेंगे मजे करेंगे, आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, अरे मजा आएगा, क्रिकेट खेलेंगे, आ जाओ। कोई बात नहीं, यहाँ पर किसकी ख्वाहिश है स्टेज पर, मतलब रैंप पर वॉक करने की? आपकी है? और किस किसकी है? और किस किस की है? आपकी है? आपकी भी है? आप भी आ जाइए मैम, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। आप भी पीछे आ जाइए बिल्ला वॉक करने के लिए।
और यहाँ पर भी एक मैम थी, आप भी आ जाइए, आप तीनों स्टेज पर आ जाइए। तो आज ऐसे जो हमारे डीजे हैं वो एक बार म्यूजिक दीजिएगा। सबसे पहले आपका नाम सीमा, जोरदार ताली हो जाए सीमा जी के लिए। अभी आप तीनों पर स्टेज पर आ जाएगा, तीनों स्टेज पर आ जाएगा। यहाँ पर हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे वीआईपी गेस्ट का, जोरदार ताली हो जाए क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर राजकुमार जी, नगर परिषद के सभापति दिनेश बेदी जी और रमन यादव जी। साथ में मैं नवल गढ़ समिति को भी इनवाइट करना चाहूंगा और मिस्टर संदीप दायमा जी का भी स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए। महावीर जी, प्रमोद शर्मा जी, जोरदार ताली हो जाए। दरख्वास्त करना चाहूंगा क्योंकि आज का पूरा कार्यक्रम आपको देखना है और जज करना है कि कौन किससे कितना बेहतर है। हमारे जो गेस्ट हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं, रमन यादव जी और दिनेश बेदी जी, इन्हें इनके स्थान तक लेकर जाएं। रमन यादव जी और देना चाहेंगे, जोरदार ताली हो जाए। वही करता है राजस्थान से वफा, जैसे बांधना आता है साफा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के वीआईपी गेस्ट के लिए। हमारे वीआईपी गेस्ट हमारे बीच मौजूद, जोरदार तालियां हो जाए। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे चीफ गेस्ट हमारे वीआईपी गेस्ट मंच पर आते जा रहे हैं, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारे क्वींस ऑफ भिवाड़ी स्टेज पर अभी आमंत्रित किया था, आज सर और थोड़ा सा क्वींस अच्छा लगता है ना। हाँ जी मैम, आप तीनों आ जाइए। आज मैं मंच पर इन तीनों को इसलिए लेकर आया था क्योंकि आज आपको जानने को मिलेगा कि हमारी जो गेस्ट है, जोरदार तालियां हो जाए ख्याति शर्मा के लिए। प्लीज ख्याति मंच पर आए। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, आज ये हमारे बीच हैं और अब हम वेलकम कर रहे हैं ख्याति शर्मा का, जोरदार तालियां। राजस्थान की सुपर मॉडल ख्याति शर्मा, थैंक यू ख्याति। अभी आप ना जाएं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा दिनेश जी और रमन जी, आप प्लीज प्रस्थान अपने आसन पर विराजित हो। यहाँ पर मैम मैंने तीन जो भिवाड़ी की सुपर क्वींस हैं जज की हैं। अब आपको जज करना है कि इनमें से कौन सबसे अच्छी कैटवॉक करता है। आपने तो कर लिए, अब बारी आपकी। आपका नाम रणप्रीत। रणप्रीत रणप्रीत रणप्रीत
R-A-N, okay, sorry. R-U-N लग रहा था. वैसे रन तो आपके पति का नाम होना चाहिए, भागोप्रीत. ओके, तो अभी रनप्रीत वॉक करके बताएंगी. डीजे गिव मी सम बेस. 1 2 1 2 3 गो. जोरदार तालियां. DJ, give me some bass again. 1 2 3 go. Zordaar taaliya, Bhiwani, zordaar taaliya. Come back, Shruti, come back. Thank you so much. आप तीनों ने walk किया. मैं अब ख्याति से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बताएं कि वॉक क्या होती है. प्लीज ख्याति, मुझे अपना बुके दे. डीजे गिव मी सम बेस अगेन. 1 2 3 का जोरदार तालियां ख्याति के लिए. आप शोर मचा सकते हैं. 1 2 3 का रुबियादा और पुनी. अभी ख्याति हमारे बीच है. ख्याति एक बार बताओ कि इन तीनों में से किसकी वॉक सबसे अच्छी थी. आई थिंक कृति. कृति की. कृति आप 2017 में पार्टिसिपेट करेंगे. इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां. और मैं अभी आप मंच से नीचे जा सकती हैं और आपको मैं छोड़ के आता हूं. कम जोरदार तालियां हो जाए ख्याति के लिए हमारे बीच राजस्थान की सुपर मॉडल. थैंक यू कृति. थैंक यू सो मच. तो अब हम आपके बीच उनको लेकर आने वाले हैं जिन्हें भिवाड़ी ने चुना है. वो थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रमन यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि रमन जी मंच पर आए. रमन यादव जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आए, क्योंकि आज रमन फिल्म प्रोडक्शंस ने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमें दिए हैं, उनको आपको मंच पर देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ यहाँ पर हम छोटे छोटे इवेंट्स आपके बीच में कराते रहेंगे. और आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है जो कि आपको एंड में मिलने वाला है. जी हाँ, भिवाड़ी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो कि हम एंड में देंगे. वो मुझे भी नहीं पता कि आखिर है क्या, लेकिन है बहुत बड़ा सरप्राइज, मुझे ऐसा बोला गया है. तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रमन यादव जी, ताकि हम जान पाए कि उनकी ये एकेडमी, उनका ये प्रोडक्शन हाउस कैसे काम करता है. और आपको बताऊं कि ये जो 11 महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं जो कभी भी रैंप पर नहीं चली, जिन्होंने कभी कैटवॉक नहीं करी. आज पहली बार वो मंच पर कैटवॉक करने वाली है. बिलीव मी, आप जब उन्हें मंच पर चलते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो पहली बार वॉक कर रही हैं. आपको लगेगा कि वो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं. और ऐसे ही हम हर साल मीडिया से रमन यादव प्रोडक्शंस के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे और आपके बीच में से और भी टैलेंट निकालेंगे. तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रमन यादव जी को. प्लीज मंच पर आए. और रमन यादव प्रोडक्शंस के बारे में हमारी भिवाड़ी की
जनता को बताएं। हम वही लगवा रहे हैं। सो गाइस एंड गर्ल्स प्लीज वेलकम मिस्टर रमन यादव। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है पहली बार भिवाड़ी में इस तरह का प्रोग्राम होते हुए? कैसा लग रहा है? और 2017 की एंट्री ऑलरेडी हमने खोल दी गई है, रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन हो चुका है और जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इससे कई गुना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 2017 जुलाई, इससे भी कई लाख गुना बड़ा प्रोग्राम करूंगा 2017 मिसेज भिवाड़ी एनसीआर का। कैसा लगा? मैं आपके शहर भिवाड़ी के नियर बाई एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम है रंगाला, कई लोग जानते भी होंगे, फूलबाग के लगता हुआ गांव है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राजकुमार जी का, संदीप दायमा जी का और मेरे आए गए गणमान्य लोगों का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और अभी हम इस शो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहेंगे रमन यादव प्रोडक्शन से कोमल को। कोमल प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड दिखाएं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। प्लीज वेलकम मिस कोमल। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना।
make some noise. अरे अगर आप मजा आ रहा है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए भिवाड़े. देख मेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला. एक साथ बोलेंगे ब्यूटीफुल कर गए चुल. कैसा लगा भिवाड़ी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. ये आपको किसने सिखाया? अभिषेक मामा. क्या बात है, इनके मामा के लिए जोरदार तालियां हो जाए. तो अभी रमन यादव फिल्म्स आपको बहुत सारे धमाके दिखाने वाली, यानी कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी, लेकिन आपकी तालियां धमाकेदार वाली बिल्कुल मेरे